शुरुआत बड़ी खबर से। रायपुर में मंडल स्तरीय उप समिति धान खरीदी केंद्रों का आज निरीक्षण करेगी। जो ये उप समिति है धान खरीदी में किए गए बदलावों की भी समीक्षा करेगी और अंतर की राशि भुगतान के लिए किसानों और समिति प्रबंधकों से भी चर्चा करेगी। भौतिक सत्यापन और केंद्रों में आई समस्या पर समिति बनाई गई, जो एक रिपोर्ट है वो बनाई थी और मंत्रिमंडलीय उप समिति एक दिन में 3 जिलों का जो है वो दौरा करेगी और दौरा कृषि मंत्री इसमें शामिल है रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। अधिक जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, आज से जो निरीक्षण का काम है ये उप समिति करने वाली है, हालांकि विपक्ष से उस नजर से देख रहा है कि जब चुनाव पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं तो ऐसे में जो उप समिति है वो बनाई गई है, इससे पहले कोई भी किसानों की सुध नहीं ले रहा था। तो देखिए, ऐसा नहीं है, उप समिति का गठन पहले कर दिया गया था और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उप समिति का दौरा आज से प्रस्तावित है, हालांकि उसकी डिटेल क्या है अभी तक वो कार्यक्रम आया नहीं है। ये एक मसले जिसपे किसानों को जो अतिरिक्त राशि दी जानी है उस पर भी चर्चा करेगा, इस बारे में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी थी। इसके अलावा जो कैबिनेट ने खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाया है उसको किस तरह से लागू किया जा रहा है इसका भी निरीक्षण करेगी। तो प्रस्ताव ये है कि हर दिन 3 जिले कम से कम कवर किए जाए और 3 जगह जाकर के पूरी प्रक्रिया को समझाया जाए, अधिकारियों से बातचीत की जाए, किसानों से बातचीत की जाए, धान खरीदी केंद्र को देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से रूपेश अगर देखा जाए जो समस्याएं हैं, लगातार ये खबरें जब से धान खरीदी की शुरुआत हुई है तब से ये खबरें आ रही हैं कि किसान परेशान है, कहीं समिति वाले तुलाई की बदौलत उनसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं या फिर ज्यादा धान ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए किसानों लगातार चक्का जाम की भी खबरें लगातार आई। ऐसे में उप समिति बिल्कुल आधे टाइम पे लगभग जनवरी अब निकलने को ही है, तब ये उप समिति का गठन के क्या मायने हैं? देखिए, उप समिति का गठन पहले हो चुका है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि दौरे जो है वो पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, जबकि करीब 40 से 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है और 35 लाख मीट्रिक टन बचे हुए हैं। तो जो छोटे किसान थे उन्होंने अपने धान बेच लिए, सरकार का ये कहना है। तो छोटे किसानों को क्या परेशानी हुई वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और अगर ये दौरे पहले हुए होते तो ये शिकायतें नहीं आती। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि 2500 रुपए में वो धान खरीदी करेगी और हर एकड़ में 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी, लेकिन जो किसानों को परेशानी हुई ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि घटतौली या ज्यादा तौल वाला ये शिकायत नहीं आई है, लेकिन टोकन को लेकर के शिकायत आई है, नंबर ना आने की शिकायत आई है, रकबा घटाने की शिकायत आई है, ये तमाम शिकायत है और इन सब का निरीक्षण मंत्रिमंडल की उप समिति करेगी। चलिए, अगली खबर पे हम आपसे जुड़ेंगे रूपेश, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर है।